आईआईटी जैम 2019 के फॉर्म निकल के जा चुके हैं और हम जानते हैं कि ये इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में अब एक पॉपुलर एग्ज़ाम बन चुका है। आइए देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे या एग्ज़ाम देने के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के लिए हर साल फॉर्म्स निकलते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में और इस साल 5 सितंबर 2018 से शुरू थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 12 अक्टूबर 2018 को लास्ट डेट थी। नाउ जैम का रिजल्ट निकलेगा 20 मार्च को, बट उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम्स का तैयारी किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए करना है। 20 मार्च को रिजल्ट आएगा आईआईटी जैम का और 10 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम होगा। इसमें दो स्लॉट होंगे, सुबह का जो स्लॉट होगा सुबह 9:30 से 12:30 के बीच होगा। उस स्लॉट में तीन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस। और शाम का जो स्लॉट होगा यानी कि सेकेंड सेशन, उसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स का एग्ज़ाम होगा, यानी टोटल मिलाकर के 7 सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम होंगे। आईआईटी जैम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% जो है वो आपका SC ST या PWD कैटेगरी के लिए है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 7 सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है, 2 सेशन में कंडक्ट होगा जो कि 10 फरवरी 2019 को होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी वो फिज़िक्स की तैयारी किस तरीके से करनी है उसके बारे में बताऊंगी, बट इस वीडियो में हम सभी सबके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको एग्ज़ाम PC पर देना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 4 उसमें आपको आंसर दिए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के, जिसमें से एक सही होगा। इन 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के रहेंगे और 20 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। यस, सेक्शन ए के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेक्शन बी जो रहेगा उसमें आपके 10 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें डिफरेंस रहेगा। सेक्शन ए में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसमें केवल एक आंसर सही रहेगा 4 में से, जबकि सेक्शन बी में आपके पास आंसर तो 4 चॉइस रहेंगी जिसमें से आपके एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, इसीलिए इस सेक्शन का नाम है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी कि MFQ। ओके, और इसमें हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और जब तक कि आप सारे के सारे ऑप्शंस जो सही हैं आप चूज़ नहीं कर लेते तब तक आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 4 चॉइस दिया है और 4 चॉइस में से 2 चॉइस यानी कि ABCD में से ए और बी दोनों जो है आपके करेक्ट हैं और उन दोनों को ही आप मार्क नहीं करते हैं, या सपोज़ आपने सिर्फ ए को मार्क किया और बी को छोड़ दिया, तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपको पूरे के पूरे नंबर से तब मिलेंगे जब आप ए और बी दोनों ही आंसर को मार्क करेंगे। ये सेक्शन बी के लिए है। सेक्शन सी आपका 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन करेगा, यानी कि सेक्शन सी में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे और आंसर जो होगा वो एक नंबर होगा। अब इन 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे यानी कि 1 मार्क्स का, और 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। सो नेगेटिव मार्किंग जैसे कि हमेशा होती है, 1/3 नंबर आपका हमेशा काट लिया जाता है यदि आपने कोई गलत आंसर दिया है। यदि क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है तो आपका 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा यदि आप आंसर गलत देते हैं तो, और यदि वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो 2/3 यानी कि 2/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे यदि आपने आंसर गलत दिया है तो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सेक्शन बी है यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा आंसर सही रहेंगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी, यानी कि अगर 2 आंसर सही हैं और आपने 2 में से सिर्फ एक को ही मार्क किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको उस एक सही उत्तर के मार्क करने के लिए नंबर दे दिए जाएंगे, या तो आप दोनों को मार्क कीजिए या तो फिर मत कीजिए। ओके, सो इसीलिए वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ओके, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि
सेक्शन सी में भी। ध्यान रखिएगा कि चूंकि कैलकुलेटर आपका ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इसीलिए आपको मैनुअल कैलकुलेटर जो कि आप यूज़ करते हैं उसको ले जाना अलाउड नहीं होता है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन नॉट टू टेक कैलकुलेटर विद यू। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पेन से सॉल्व करके देखना पड़े तो किस तरह से करेंगे। तो याद रहे जो पहली बार ऑनलाइन टेस्ट देंगे उनके लिए कि आपको एग्ज़ाम के दौरान कुछ कोई एक छोटा सा नोटपैड दे दिया जाएगा और साथ में आपको अपना पेन रखना है। तो कभी कभी पेन प्रोवाइड भी कराया जाता है, बट टू बी ऑन सेफ साइड आप अपना पेन साथ में लेकर के जाएं और उस रफ नोट पर जो कि आपको वही एग्जामिनर्स देंगे उस पर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। याद रहे कि वो जो जिस पर आप सॉल्व करके देखेंगे वो रफ नोट पैड आपको वापस करना पड़ेगा एग्ज़ाम के एंड में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम का सिलेबस लेकर के प्रिपरेशन करते हैं अपनी खुद घर पे बिना किसी कोचिंग के तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। अब चूंकि मैं भी फिज़िक्स से रिलेटेड इंसान हूँ तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर फिज़िक्स का सब्जेक्ट कवर करूँगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे कि आपको सारा का सारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कम टाइम में आप कम सिलेबस पढ़ करके किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। फिज़िक्स के लोगों के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि आपके लिए ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, मैथमेटिकल मेथड्स जिसमें आपका फिज़िक्स वाला मैथ्स आता है, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।